तो भाई फाइनली खत्म हुई विलगैक्स की ओरिजिन, पर इसके साथ ही क्रिएट हुई विलगैक्स को लेकर कई सारे डाउट्स, जो भाई आप सभी ने विलगैक्स की ओरिजिन पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूछे थे। और इन दोनों वीडियो को मिलाकर अभी तक लगभग 800 से ज़्यादा कमेंट आ गए हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है विलगैक्स के Q&A पर। तो मैं कोशिश करूंगा कि सभी मेन कमेंट पिक करके उनके आंसर दे दूं। तो चलिए देखते हैं विलगैक्स के फैंस ने विलगैक्स को लेकर क्या क्या सवाल किए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं। तो भाई आज का सबसे पहला सवाल पूछा है पर्थ ने कि व्हाट इज विलगैक्स रियल रूप। तो भाई देखो, वैसे तो हमने विलगैक्स के कई रूप देखे हैं, पर इसके अलावा भी विलगैक्स का एक और रूप है जो एक स्क्विड मॉन्स्टर है, और ये विलगैक्स का असली रूप कहा जाता है। और ये बात खुद विलगैक्स ने क्लियर की थी। अब तुम विलगैक्स के असली रूप का सामना करोगे। पर ये सवाल एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैं कभी और अच्छे से क्लियर करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पूछा है इकरम ने कि क्या विलगैक्स ज़ाइलिन के सिप से लड़के घायल हुआ था। तो हाँ भाई, विलगैक्स ज़ाइलिन के सिप से लड़के घायल हुआ था। जब ज़ाइलिन के शिप का एक अटैक सीधा जाके वहाँ लगता है जहाँ विलगैक्स मौजूद था, और उस अटैक के बाद विलगैक्स बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसके बाद उसे रिकवरी करने में बहुत टाइम लगा। और इसीलिए तब जाके बेंटन क्लासिक के पहले सीजन के आखिरी एपिसोड में हमें विलगैक्स देखने को मिला, और इतने टाइम तक विलगैक्स अपनी रिकवरी कर रहा था। अगला सवाल पूछा है पीयूष ने, हाउ विलगैक्स गेट सुपर स्वॉर्ड रूबी रे एंड सील ऑफ सीगल। तो भाई विलगैक्स ने ये तीनों पावरफुल वेपन्स कहाँ से लाए, इसका कोई क्लियर आंसर तो नहीं है। पर फिर भी इनमें से एक विलगैक्स की स्वॉर्ड जो उसके पास पहले से मौजूद थी, पर रूबी रे और सील ऑफ सीगल में भी हो सकता है कि विलगैक्स ने वहाँ से छीना हो जहाँ विलगैक्स ने 10 दुनिया के सबसे पावरफुल हीरोज को हराया था, और ये वेपन्स उन्हीं में से किसी का एक हथियार हो जिनसे विलगैक्स ने छीना हो, रूबी रे और सील्ड ऑफ सैगल। नेक्स्ट सवाल पूछा है प्रिंस बोरा ने, कैन विलगैक्स बी सन ऑफ मॉब रिडल। तो भाई इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, अभी विलगैक्स के इतने बुरे दिन भी नहीं आए, पर क्या पता थियोपिक मॉब रिडल का रिश्तेदार हो, ऐसा हो भी सकता है। नेक्स्ट सवाल पूछा है नीतू ने कि क्या एस्केलेन की पावर और विलगैक्स की स्वॉर्ड की पावर एक जैसी है। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, एस्केलेन विलगैक्स की स्वॉर्ड से कई गुना ताकतवर है, और एस्केलेन तो इतना ताकतवर है कि अगर उसका सही से यूज किया जाए तो वो डैगन इतने पावरफुल विलेन को आसानी से हरा दे, पर अगर एस्केलेन का सही से यूज किया जाए तो। अगला सवाल पूछ रहे हैं सेटिंग्स अननोन, व्हाई विलगैक्स नॉट यूज अल्टीमेट ट्रिक। तो भाई इसका एक सीधा सा जवाब है जिसके कई कारण है। पहला कारण तो ये था कि अल्टीमेट्रिक्स प्रॉपर तैयारी नहीं थी, और ना ही उसका सिक्योरिटी फंक्शन सही था, और ना ही उसमें इतनी पावर थी कि वो विलगैक्स की पूरी आर्मी को ट्रांसफॉर्म कर सके। और इसके अलावा कुछ मेन एलियंस अल्टीमेट्रिक्स में लॉक भी थे, और इन्हीं सब कारणों की वजह से विलगैक्स ने अल्टीमेट्रिक्स का यूज नहीं किया। नेक्स्ट सवाल पूछा है फैन क्लब ने कि ओमनिवर्स विलगैक्स वर्सेस एलियन फोर्स विलगैक्स हु विल विन। तो भाई इस सवाल का जवाब मुझे समझ में नहीं आ रहा, और इस सवाल का जवाब मेरी तरफ से 50-50 है, क्योंकि दोनों ही विलगैक्स बहुत पावरफुल हैं। और आप अपनी राय नीचे कमेंट बताना कि अगर दोनों विलगैक्स में फाइट हो तो कौन सा विलगैक्स जीतेगा। पर फिर भी मुझे लगता है कि एलियन फोर्स के विलगैक्स का पलड़ा भारी है। नेक्स्ट सवाल है YRD गेमिंग का कि इफ विलगैक्स नो ऑल अबाउट ओमनिट्रिक्स, व्हाई डिड नॉट ही नो हाउ टू यूज इट। तो यार सबसे पहले ये सवाल काफी अच्छा सवाल है कि सब जानते हुए भी विलगैक्स ओमनिट्रिक्स का यूज क्यों नहीं कर सका। इसका कारण ये था कि बेंटन क्लासिक में तो विलगैक्स ओमनिट्रिक्स के बारे में सब कुछ जानता था, क्योंकि उसके पास पहले पुरानी ओमनिट्रिक्स का पूरा डेटाबेस मौजूद था। पर बेंटन एलियन फोर्स में ओमनिट्रिक्स पूरी तरह से नई डिजाइन हो गई थी, जिसके कारण ओमनिट्रिक्स का पूरा सिस्टम ही चेंज हो चुका था, और इसी वजह से विलगैक्स ओमनिट्रिक्स का यूज नहीं कर पाया था। इसके बाद अगला सवाल पूछा है नियति मेहता ने, आर देयर एनी विलन हु इज मोर पावरफुल देन विलगैक्स। तो अगर मैं इस सवाल पर अपनी राय दूं कि विलगैक्स से ज़्यादा पावरफुल विलन बेंटन यूनिवर्स में कौन है, तो मुझे नहीं लगता कि बेंटन के यूनिवर्स में कोई भी ऐसा विलन है जो विलगैक्स इतना पावरफुल और विलगैक्स इतना सातिर है। पर एक टाइम ऐसा लगने लगा था कि क्या एग्रीगोर विलगैक्स से ज़्यादा पावरफुल होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर आपको लगता है कि कोई ऐसा विलन है जो विलगैक्स इतना पावरफुल और विलगैक्स इतना सातिर है,
तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट सवाल पूछा है आमिर खान ने कि एल्बिडो ने विलगेक्स की हेल्प क्यों की थी पेंटेन अल्टीमेट एलियन में। तो भाई पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि एल्बिडो ने विलगेक्स की मदद नहीं की थी, बल्कि विलगेक्स एल्बिडो से मदद मांग रहा था। और फिर बाद में एल्बिडो इसलिए विलगेक्स की मदद करता है ताकि वो विलगेक्स की मदद से ओमनीट्रिक्स बैंड से ले सके और अपने असली रूप गैल्विन में ट्रांसफॉर्म हो सके। पर ओमनीट्रिक्स मिलते ही विलगेक्स अपना असली रंग दिखाता है और एल्बिडो को धोखा देता है। इसके बाद अगला सवाल पूछा है DWP प्ले बांग्ला गेमिंग चैनल, पूछते हैं विलगेक्स स्ट्रॉन्गर देन थानोस। तो भाई मुझे लगा था कोई ना कोई सवाल को जरूर पूछेगा कि विलगेक्स ज्यादा पावरफुल है या थानोस, और सच में ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और वैसे देखा जाए हैंड टू हैंड फाइट में तो दोनों के बीच काटे की टक्कर होगी, पर फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं विलगेक्स थानोस को हैंड टू हैंड फाइट में हरा सकता है। इस सवाल पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट सवाल पूछा है राजेश कुमार ने कि जब विलगेक्स के डायगन फॉर्म को बैन ने एस्केलेन की हेल्प से मारा था, तब विलगेक्स को उसकी पुरानी पावर्स आर्मर स्वॉर्ड्स वापस कैसे मिल गई थी। तो यार देखो, विलगेक्स के सारे वेपन्स और उसका आर्मर उसे साइफन की मदद से मिलता है, क्योंकि साइफन विलगेक्स को अर्थ पर ढूंढ रहा था जब विलगेक्स डिस्ट्रॉय हुआ था। तो साइफन वहां भी जाता है जहां विलगेक्स डिस्ट्रॉय हुआ था, और वहां साइफन को उसका आर्मर और उसके सारे वेपन्स मिलते हैं, जिसके बाद साइफन उन्हें अपने पास रख लेता है। पर जब विलगेक्स साइफन से कॉन्टैक्ट करता है ताकि वो पावर अब्जॉर्बिंग मशीन वहां ला सके जहां डैगन था, और उस पावर अब्जॉर्बिंग मशीन की मदद से डैगन की सारी पावर अब्जॉर्ब कर सके, तब साइफन विलगेक्स को सारे वेपन्स और उसका आर्मर देता है जो साइफन ने उसी समुद्र से निकाले थे जहां से विलगेक्स डिस्ट्रॉय हुआ था। और क्योंकि साइफन विलगेक्स का सच्चा सेवक था, इसलिए साइफन विलगेक्स की उस सारी चीज़ें संभाल के रखता है, और जब विलगेक्स से दोबारा साइफन मिलता है तो सारी चीज़ें विलगेक्स को वापस सौंप देता है, और विलगेक्स उसे पहन भी लेता है। और जब बेन एस्केलेन की मदद से विलगेक्स को मारता है तो वो अपने असली रूप में आता है, और तब उसके पास सारे वेपन्स थे और वो सारे वेपन्स साइफन की मदद से विलगेक्स के पास आते हैं। तो यार अकॉर्डिंग टू बेंटन थ्योरी यही कहती है कि विलगेक्स को उसके सारे वेपन्स और उसका आर्मर ऐसे ही मिला था। अगला सवाल पूछा है तमीम 121 ने कि क्या विलगेक्स से भी बेंटन में कोई ताकतवर खलनायक है, मैं बेंटन का प्रशंसक हूँ। तो तमीम भाई मुझे नहीं लगता विलगेक्स से बड़ा कोई खलनायक बेंटन में है, मे भी हो सकता है फ्यूचर में हमें देखने को मिल जाए, क्या पता। नेक्स्ट सवाल पूछा है सुमन हेज ने, इन क्लासिक सीरीज पहली बार बेन प्राइम बेंटन 1000 को देखता है, उस वक्त विलगेक्स विल बी इन अ मशीन एंड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, एंड देन डॉक्टर एनिमो विलगेक्स को फ्री कर देता है। सो माई डाउट इज हाउ वॉज विलगेक्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय एंड हिज बॉडी वॉज सेटल्ड बाय बेंटन 1000 इन क्लासिक सीरीज। तो देखो, सबसे पहली बात वो फ्यूचर था बेंटन का, जहां बेन लगभग 30 साल का था, और उन 30 सालों में कई बार विलगेक्स और बेंटन का आमना सामना हुआ होगा और कई बड़ी लड़ाइयाँ हुई होंगी, और उन्हीं में से किसी एक लड़ाई में हो सकता है विलगेक्स बुरी तरह से हारा हो और वहीं पर बेंटन 1000 ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया हो, जिसके बाद बेन ने उसे कैद कर लिया हो। इसके बाद विलगेक्स हमें कैद में पूरी तरह डिस्ट्रॉय दिखता है। इसके बाद अगला सवाल पूछा है कुंदन राजपुरा ने कि क्या विलगेक्स भी जिम करता था। तो कुंदन भाई देखो, विलगेक्स पहले बहुत पतला था, जिससे विलगेक्स डेंजर विलन की तरह नहीं लगता था, इसलिए फिर विलगेक्स ने प्रोटीन पाउडर खाया और खतरनाक बॉडी बना ली। तो ये था विलगेक्स की फिटनेस का राज। भाई देखो, सीरियस मोड में ना मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पूछा है जोया साकिया ने, क्या ओमनीट्रिक्स में विलगेक्स की स्पीसीज का DNA है। तो इस सवाल का जवाब है हाँ, ओमनीट्रिक्स में विलगेक्स की स्पीसीज का DNA नहीं है, बल्कि खुद विलगेक्स का DNA ओमनीट्रिक्स में है। तो भाई बस, आज मैं इतने ही कमेंट पिक कर रहा हूँ। मुझे पता है आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे विलगेक्स को लेकर, पर मैं उन्हें किसी और Q&A में एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा गया था कि कैसे विलगेक्स डायमंड हेड से हार गया था, मैं जल्द ही कोशिश करूंगा इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो मुझे नहीं लगता ये वीडियो सही बनी है, क्योंकि बहुत जल्दी में बनाई है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ताकि मैं इसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं। तो अब मैं आपसे मिलूंगा बेंटन के ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।